स्पीकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विजन न्यूज 18 के इंटरव्यू के जरिए देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। हम जीरो बिजली बिल और सोलर योजना पर काम कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत का विजन पूरा कर लेंगे। मोदी जी, अगर एक सवाल मैं ये समझना चाहूँ कि ये जो तीसरा टर्म होगा आपका, वो पहले दूसरे से अलग कैसे होगा? पहला कार्यकाल मेरा कैसा गया, तो मैं सामान्य मानवी की जो जरूरतें थी उनको मैं एड्रेस करना चाहता था। मैंने उस दिशा में काम किया और उस समय देश के अंदर एक निराशा का वातावरण था, सरकार के प्रति नफरत का वातावरण, भाई सरकार यानी निकम भी, मुझे विश्वास भरना था। मैंने उस पर काम किया, मजबूती लाया। जो दूसरा कार्यकाल था वो मैंने कुछ परिणाम दिखाए, लोगों को विश्वास भर दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है देश में, वो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत है। अब आगे जो मेरा कार्यकाल है, मुझे ये जो हताशा में से विश्वास में परिवर्तित हुआ, आकांक्षा में परिवर्तन हुआ, जो एस्पिरेशंस के अंदर परिवर्तित हुआ, अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है। लेकिन ये जब मैं 11 से 5 पे लाया, उसी की कंटिन्यूटी है जी। ये मैं 5 वर्ष और निकम्मा और 3 वाला अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो पहले मनमोहन सिंह के समय पर 11 तक थे, हम जोर लगा करके 5 पर ले आए, अब जोर लगा करके 3 पर ले जाएंगे। तो हम हर चीज़ में कंटिन्यूटी करना चाहते हैं। अब जैसे बिजली, हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया, बिजली पहुंचा दी। अब मेरा लक्ष्य है पीएम सिर्फ घर योजना और जीरो बिजली बिल, और मैं हर घर पर सोलार सिस्टम लगे, और मैं सिर्फ बिजली का बिल जीरो चाहता हूँ इतना ही, मैं 3 चीज़ें चाहता हूँ। एक, हर परिवार का बिजली का बिल जीरो हो। दूसरा, अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे, कमाई करे। तीसरा, जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आएगा, मुझे आत्मनिर्भर होना है एनर्जी के सेक्टर में, और इसलिए मैं चाहूँगा जिसके पास भी स्कूटी हो, मोटर हो, जो भी हो जी, उसका चार्जिंग अपने घर में ही हो जाए और सोलार से हो जाए। मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का महीने का 1000-2000 रुपया खर्चा आता है वो भी जीरो हो जाए। ये त्रिविध बेनिफिट नागरिक को और देश को, पर्यावरण का बेनिफिट, देश को आज पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का जो अरबों अरबों डॉलर जा रहे हैं बाहर, वो बंद हो जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना, अब जैसे स्टार्टअप हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है मुझे, इनोवेशन हब बनाना है, यानी मैं एक बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूँ, और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुविधा नहीं। मेरे पास बताया है नेक्स्ट 100 डेज, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है, अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है, क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने, क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूँ 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है। इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रुप के साथ।